गूगल जानते हैं, अब इसके बारे में गूगल मत करने लग जाना, क्योंकि गूगल सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। आप क्या सर्च करते हैं, आपकी पसंद क्या है और आप क्या होना चाहते हो, सब कुछ पता है। नाम कब होता है? नाम तब होता है जब एक नॉर्मल या मिडिल क्लास इंसान एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कर दिखाता है। वैसे ही दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं और अपनी लाइफ को इतनी आसान तरीके से जीते हैं। चेन्नई के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अल्फाबेट के CEO बनने तक का सफ़र आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दुनिया जिसे सुंदर पिचाई के नाम से जानती है, उनका वास्तविक नाम पिचाई सुंदर राजन है। साल 1972 में चेन्नई के मदुरै शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही सुंदर पिचाई की रुचि साइंस में थी, क्योंकि इनके पिता रघुनाथ पिचाई एक इंजीनियर थे। वो अपने काम से जुड़ी बातें सुंदर से डिस्कस किया करते थे। सुंदर पिचाई के माता पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि चेन्नई के ऐसे दो कमरे वाले घर में पला बड़ा लड़का, जहाँ TV, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर जैसी जरूरतमंद की चीज़ें भी नहीं थी, लेकिन चंद घंटों में वो करोड़ों रुपए कमाएगा। पढ़ाई में रुचि और मेहनत के चलते सुंदर ने अपनी स्कूलिंग चेन्नई से करने के बाद IIT खड़गपुर से BTech की डिग्री ली। IIT से मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्हें कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली। और फिर क्या था, सुंदर पिचाई चल पड़े प्लेन में बैठकर अमेरिका, जहाँ एक नया सफर उनका इंतजार कर रहा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MS यानी कि मास्टर इन साइंस की डिग्री लेने के बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री प्राप्त की। सुंदर पिचाई ने साल 2004 में गूगल ज्वाइन किया था। गूगल से जुड़ने से पहले सुंदर पिचाई मैकेंसी और अप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों में काम कर चुके थे। वैसे हम आपको बता दें कि सुंदर पिचाई को गूगल में काम करने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जब उनके दोस्त ने गूगल ज्वाइन किया था, तब सुंदर पिचाई ने दोस्त को गूगल ज्वाइन नहीं करने की सलाह दी थी। जिस इंसान को गूगल पसंद नहीं था, उन्होंने आखिर क्यों गूगल में इतना लंबा सफर तय किया और ऐसा क्या जादू चलाया कि गूगल ने सुंदर पिचाई को उनकी कंपनी में रहने के लिए हर साल 370 करोड़ के स्टॉक्स देने का वादा किया, और उन्होंने करोड़ों रुपए की सैलरी का वादा कर उन्हें वर्ल्ड हाई पेड एम्प्लॉय बना दिया। सुंदर पिचाई 2004 में पहली बार गूगल से जुड़े। उन्होंने शुरू में सबसे पहले गूगल सर्च बार पर काम किया। गूगल में काम करते समय पिचाई के दिमाग में एक नया आइडिया आया, और वह आइडिया था खुद का इंटरनेट ब्राउजर बनाने का। उस समय के गूगल के CEO से पिचाई ने खुद के इंटरनेट ब्राउजर बनाने की बात कही तो उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह बहुत महंगा है। लेकिन जिस आइडिया को बेकार बताकर पिचाई के सीनियर्स ने ठुकरा दिया था, वही आइडिया गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को काफ़ी अच्छा लगा था। और आखिरकार साल 2008 में गूगल ने खुद का वेब ब्राउजर लॉन्च किया, इसका नाम क्रोम दिया गया। फिर क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर से बेहतर यूजर इंटरफेस, अच्छी सर्विस और ज़्यादा स्टोरेज देकर लोगों का दिल जीत लिया। आज क्रोम दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है, और यही गूगल कंपनी में सुंदर पिचाई का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अभी CEO बनने का सफर अभी काफ़ी लंबा था। फिर साल 2013 में एंड्रॉयड के क्रिएटर एंडी रूबिन ने गूगल को टाटा बाय बाय बोल दिया। ऐसे में एंड्रॉयड डिवीजन को संभालने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुंदर पिचाई के हाथों सौंपी गई। सुंदर पिचाई ने एक बड़ा ही बेहतरीन आइडिया लगाया और एंड्रॉयड और गूगल को एंटीग्रेट कर दिया। यानी हुआ ये कि अब जो भी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदेगा, गूगल के सारे ऐप्स उसमें फ्री इंस्टॉल मिलेंगे। इससे ये फ़ायदा हुआ कि गूगल का कस्टमर बेस बढ़ गया। सो फ्रेंड्स, आज हमने सुंदर पिचाई के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनका खुद का आइडिया हो। ना ब्राउजर बनाने वाला वो पहला इंसान था, ना क्लाउड स्टोरेज बनाने वाला वो पहला इंसान था, और ना ही एंड्रॉयड उनका खुद का क्रिएशन था। लेकिन अपने आने के बाद उन्होंने दिन रात गूगल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर करने के लिए एक अटूट कमिटमेंट दिखाया। भले ही आइडियाज उनके नहीं थे, लेकिन हर सिनेरियो में उन्होंने बहुत ही सोच समझ के सही समय पर सही डिसीजन लिए थे, और गूगल पर धीरे धीरे ही सही पिचाई का इन्फ्लुएंस हर साल बढ़ता ही जा रहा था। और उस समय उन्हें दूसरे कंपनी से बेहतर पैकेजेज और ज़्यादा हायर पोजीशंस के ऑफर भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया। और जब 2015 में गूगल के फाउंडर्स ने गूगल छोड़कर अल्फाबेट यानी कि गूगल की पेरेंट्स कंपनी की स्थापना की, तब गूगल के CEO की पोजीशन सीधे सुंदर पिचाई को ही चली गई। और 2019 में जब लैरी और सर्गेई ने अल्फाबेट के CEO का पद छोड़कर चेयरमैन रोल अपना लिया, और फिर सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट दोनों के CEO बन गए, जिनकी आज मंथली सैलरी 1060 करोड़ रुपीज है। तो दोस्तों, ये थी सुंदर पिचाई की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑन करें ताकि कोई भी आने वाली नोटिफिकेशन मिस ना हो।